ठंड के मौसम में जहां आम लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती है, वहीं कुछ कुत्ते ऐसे हैं जिनका खास ध्यान रखा जाता है। आसनसोल रेल मंडल के डॉग स्क्वाड के कुत्तों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। इन दिनों डॉग स्क्वाड का खास ख्याल रखा जा रहा है, उनके लिए ठंड में कुछ खास व्यवस्थाएं की जाती हैं। ये कुत्ते चोरों को पकड़ने से लेकर मादक पदार्थ विस्फोटक की बरामदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आसनसोल रेल मंडल के वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त राहुल राज ने खास निर्देश दिया है कि ठंड ज़्यादा होने पर कुत्तों के रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए। ठंड पड़ते ही सोने के लिए चौकी की व्यवस्था की जाती है, उस पर कारपेट बिछाया जाता है, कमरे में हीटर लगाया जाता है। इसके साथ ही कुत्तों को कीमती जैकेट भी पहनाए जाते हैं। वही आसनसोल डॉग स्क्वाड में कुल 5 कुत्ते हैं। उनमें से कप्तान को बेंगलुरु से खरीद कर लाया गया था। दिल्ली में उसे 8 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी। यहाँ बेल्जियम प्रजाति का डॉग भी है। इस प्रजाति के कुत्ते ने आतंकवादी ओबामा बिन लादेन को खोज निकाला था। आसनसोल मंडल में चोरी पकड़ने में भी इनका इस्तेमाल होता है। एक कुत्ते की देखभाल हेड कांस्टेबल राजेश गोली करते हैं। जावा नाम के दूसरे कुत्ते की देखभाल हेड कांस्टेबल ए बावरी करते हैं। तीसरे कुत्ते का नाम तूफान है। डॉग स्क्वाड का यह कुत्ता मादक पदार्थों को पकड़ने के काम में लाया जाता है। उसकी देखरेख असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एसके सिंह करते हैं। मैक्स नाम का कुत्ता भी इसमें शामिल है, जो विस्फोटक की बरामदगी में मदद करता है। उसकी देखभाल वी डे करते हैं। जोजो की देखभाल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डीसी महतो करते हैं। इसके साथ ही कुत्तों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। डॉग स्क्वाड के कुत्तों को सुबह 6 बजे जगाया जाता है। नाश्ते में बिस्किट खिलाने के बाद 7:30 बजे से 8 बजे तक उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद धूप में 1 से 1.5 घंटा उनका मसाज होता है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखने के लिए मसाज जरूरी होता है। बाद में कुत्तों को गर्म पानी से नहलाया जाता है। दोपहर में उन्हें मटन, हरे सब्जी, दाल, चावल मिलाकर खिलाया जाता है। शाम को फिर से बिस्किट दिया जाता है। रात में रॉयल कैनाल खिलाकर उन्हें जैकेट पहनाकर सुला दिया जाता है। हम आपको बताते चले कि इन कुत्तों को हर महीने 11,000 रुपये की सैलरी भी दी जाती है। डॉग स्क्वाड के कुत्तों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है। हर महीने डॉक्टर चेकअप करते हैं। यदि कोई कुत्ता बीमार पड़ता है तो उसे एक अलग कमरे में रखा जाता है। सीक रूम में उसका इलाज किया जाता है। डॉक्टर से अनुमति मिलने पर ही उसे वापस काम पर लाया जाता है। तब तक वह छुट्टी पर ही रहता है। गर्मी के समय में इनका खान पान अलग हो जाता है। दही, ग्लूकोज, डाब का पानी और मिनरल वाटर इनको विशेष रूप से दिया जाता है। उनके कमरे में कूलर की व्यवस्था की जाती है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।